गजब हो गया वो। क्या क्या क्यों बुखलाई हो? क्या हुआ? मेरी अलमारी में जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल रहे। वो रबाब ने पैसे दिए थे सेफ में रखने के लिए, मैं ढूंढ रही हूँ, वहां पे नहीं है पैसे। अस्सलामुअलैकुम। एक्सक्यूज़ मी आंटी, वो पैसे दे देंगी? आंटी वो सरफराज आ रहा है गाड़ी देने के लिए, तो आप प्लीज़ पैसे ले आएंगी? अच्छा अच्छा बेटे, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू। किस चीज़ के पैसे? वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने गाड़ी ली थी और उसे मुझे दिखाई, तो जब मैंने देखी आई थॉट इट्स बेस्ट फॉर अंकल एंड आंटी, तो मैंने उसे गाड़ी खरीद ली। सो इट्स जस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू अंकल एंड आंटी। इतनी बड़ी रकम घर में रखना वैसे भी मुनासिब? वो गजब हो गया वो। क्या क्या क्यों बुखलाई हो? क्या हुआ? मेरी अलमारी में जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल रहे। वो रबाब ने पैसे दिए थे सेफ में रखने के लिए, मैं ढूंढ रही हूँ, वहां पे नहीं है पैसे। आंटी बट कल आपको दिए थे ना सबके सामने, आप अलमारी में रखने गई थी, वहीं होंगे। नहीं है बेटा, वहां पे मैंने अच्छी तरह ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ गए। मुझे आपने तो नहीं कहीं उठा के रख दिए? मेरा क्या ताल्लुक है? मैंने क्यों रखे होंगे? तुम गौर से देखो जाके, इधर उधर ही पड़े होंगे। अच्छी तरह देखा है मैंने, अलमारी में दराजों में चाबी भी लगी हुई थी, पता नहीं चाबी भी पड़ी है वहां पे, लेकिन पैसे वहां नहीं है। माय गॉड, यू सीरियस आंटी? कहाँ जा सकते हैं पैसे? आपको मैंने कल दिए थे रखने के लिए, इट वाज अ बिग अमाउंट। कोई बाहर से घर आया था क्या? नहीं नहीं बेटे, हम तो सब घर वाले हम ही हैं। कोई? हाँ, जुबैदा सिर्फ आती है बाहर से, और तो कोई भी नहीं आता। जुबैदा को बुलाएं आप। जुबैदा ये भाभी कुछ वो जुबैदा मेरे मेरे कमरे में पैसे थे, वो मेरे कमरे में नहीं है। वो मेरे पैसे चोरी हुए हैं, अगर तुमने मेरे पैसे उठाए हैं मुझे दे दो, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं भाभी, कसम लेने मैं तो सुबह से मम्मी के कमरे में तक गई नहीं, अब तलाशी लेने मेरी चीज़ों की। तलाशी तो मैं लूँगी तुम्हारे कमरे की आंटी, तलाशी तो मुझे सारे कमरों की लेनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर कोई बाहर से आया नहीं है और हम ही लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो तलाशी तो लेनी पड़ेगी ना। और आंटी इट वॉज अ गिफ्ट, मैंने अपने दिल से आपके लिए एक चीज़ की थी, आपके और अंकल के लिए। मैं आपके बारे में इतना सोचती हूँ आंटी, इट वॉज रियली बिग फॉर मी। अदील पुलिस को बुलाओ तुम। जुबैदा यहाँ से जाएं आप प्लीज। रुबाब पुलिस को मत बुलाना, घर की बदनामी होगी। हम ऐसा करते हैं ना, हम सब मिलके ढूंढ लेते हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अंकल बेटे, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम मिलके ना तसल्ली से ढूंढते हैं, मिल जाएंगे पैसे। हम ढूंढते हैं, जाहिर सी बात है ढूंढना तो पड़ेगा ना हमें। I mean, whatever is happening with me in this house, it is okay. सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं और कर भी रही हूँ ना। But आंटी झूठ और चोरी, it's beyond my limit. I cannot tolerate it. ठीक ठीक है भाभी, जाइए ले लीजिए तलाशी। Yes, yes, we have to. क्या बात कर रही हो बेटी? सही कह रही हूँ, 35 लाख का सवाल है। Of course, it was a gift for both of you.